जिन बच्चों का बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाले हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहूँ। रिजल्ट कुछ भी हो तुम घबराना मत। मैं जानता हूँ ये पल जो होता है ये बड़ी अजीब होता है। पूरे साल भर मेहनत करने के बाद रिजल्ट का इंतजार क्या बताया जाए, बड़ी बेसब्री से रहता है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो तुम घबराना मत, क्योंकि वो एक बस मार्क्स, जितने भी मार्क्स आएंगे वो एक बस कागज का टुकड़ा है, लेकिन तुम किसी के जिगर के टुकड़े। डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम मत उठा। देखो मार्क्स कभी भी ये तय नहीं करता है कि तुम में काबिलियत है या नहीं। पढ़ाई कभी भी ये तय नहीं करती है कि तुम्हारे अंदर का हुनर क्या है। तुम हो सके तो कुछ और तुम्हारे अंदर हुनर हो, तुम्हारे अंदर किसी और चीज़ की कला हो, बस उसे तुम पहचानो और उसको फेवर करो, उसको पकड़ो। और पेरेंट्स को भी चाहिए मार्क्स का प्रेशर बच्चों पर ना बनाए। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि मार्क्स का प्रेशर बना देते हैं और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर डिप्रेशन में जाकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन कभी भी आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उससे पूछिए कि वो बनना क्या चाहते हैं। वो जो बनना चाहते हैं वो सपोर्ट कीजिए। हो सके तो वो बेहतर क्रिकेटर बनना चाहता हो या कुछ और बनना चाहता हो, तो उसे आप सपोर्ट कीजिए। हाँ ये मैं जानता हूँ हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स ये सब बने, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। हम लोग सब कोई को एक तराजू में नहीं तोल सकते और ना ही सबको हम लोग एक रेस में भगा सकते हैं। मछली, हाथी, हिरन सबको अगर एक रेस में दौड़ाया जाए तो बेचारी मछली तो आत्महत्या ही कर लेगी। वो कहेगी कैसे मैं इस रेस में दौड़ पाऊंगी, क्योंकि वो पानी में तैर सकती है, ज़मीन पर नहीं। उसी तरह हर एक कोई आदमी, जितने भी आदमी हैं वो सब अपनी काबिलियत से काबिलियत अपना अपना अलग अलग रखते हैं। किसी में कुछ काबिलियत होती है, किसी में कुछ काबिलियत।